साथ में सेकंड चेंज करने की जरूरत पड़े, चेंज रूम में देखो फार्मर जो है आप कभी भी देख लोगे पुराने वक्त में जब किसान जब आप इनको बताओगे कि सीड लगाना ये लगानी है, ये लगाने से क्या फायदा होगा मैडम, उसके बाद जब पानी देना है तो डायरेक्टली यहाँ नहीं देना है, तो पानी थोड़ा सा दूर देना है। कितने फैसले की लकड़ी बनाई है? सुनो, आप ऐसा करेंगे चार डायरेक्शन रखनी, नेक्स्ट आप ऐसे लगेगी उन्होंने आलू इंस्ट्रक्शन दिए थे। जब आपको काम करना है बताओ काम कैसे करो, जैसे आप लोगों ने वहाँ से काम स्टार्ट किया, अगर मैं मॉर्निंग में आया था मैंने आपको कभी वहाँ से स्टार्ट नहीं करने दिया, वहाँ से बाहर निकल दिया। बढ़िया काम चल रहा है। वीड निकालने का जो तरीका है, ये काटा आपने, ये मिट्टी यहाँ की यहाँ और इसके ऊपर मारना है, इसको मिट्टी सारी की सारी यहाँ रहे, काटेंगे तो ये है, इससे काटेंगे ना जड़ निकली, जब तक वीड को जड़ से नहीं आप उखेड़ोगे ऊपर से काटने से कोई फायदा नहीं, इसकी जड़ को रिमूव करना है। पैर भाई बहुत छोटा, आइए आइए आप यहाँ पर पहले इसको लगाने दीजिए, फिर आप बढ़िया बहुत अच्छा बढ़िया मैडम मैडम देखो सुनो डायरेक्टली पानी इसके ऊपर डालना है, और जब भी आप ट्रांसप्लांटिंग करो, ट्रांसप्लांटिंग तो देखो शाम को तो सारी नहीं हो सकती लार्ज स्केल पे, लेकिन जब पानी देना है वो आफ्टरनून, बिल्कुल वही करते हैं, सुबह पानी नहीं देना। 500 साल लगते हैं एक इंच का साइज बनने के लिए, जमीन के अंदर सारे न्यूट्रिएंट नीचे होते हैं, लेकिन जो अवेलेबल फार्म में होते हैं वो जो टॉप 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर से पहले की, और वीड जो है 30-35% न्यूट्रिएंट जो है वो ये वीड खाता है। एक तो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, दूसरा क्या होता है कि इस वक्त आप देखते हैं ना, जब सीड फार्म क्री का दौरा किया, फार्मर्स डे था, क्या कुछ खास रहा आज दिन के हवाले से? देखिए मुझे आप लोगों के साथ आज के इस प्रोग्राम के मतलब ये चीज़ शेयर करते हुए खुशी महसूस होती है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले साल से एक तजवीज़ बनाई कि हमारा किसान जो किसानी के साथ 12 के 12 महीने खेतों के साथ जूझता रहता है, तो हम भी किसान के साथ मिल के जिस वक्त जो भी क्राप लगे एक दिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सभी लोग किसान के साथ मिल के उनके खेतों में काम करें। इस साल का जो खरीफ सीज़न अभी स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने खरीफ कंपेन 14 अप्रैल 2022 को पूरी वादी कश्मीर में मनाई, और जिसके बीच में जहाँ जहाँ पर भी मॉइस्चर अवेलेबल थी हमारे लोगों ने मक्की की सोइंग की, वेजिटेबल सीडलिंग जो है उसकी ट्रांसप्लांटिंग की गई, जिस जगह पर नर्सरीज लगानी थी वहाँ नर्सरी लगाई गई, और ख़ासकर क्योंकि पैडी हमारा स्टेपल फूड है तो जामा मनसूबा बनाया गया कि नर्सरी की टाइमिंग इस लिहाज से फिक्स करवाई जाए कि जो सीडलिंग तैयार हो जाए, ताकि वादी कश्मीर में जो 1,34,000 से ज़्यादा हेक्टर एरिया पैडी के अंडर है उस सारे की ट्रांसप्लांटिंग जो है वो 15 जून से पहले कम्प्लीट हो जाए जी।
क्योंकि जब ये देखा गया है कि जब 15 जून से पहले पैडी की ट्रांसप्लांटिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया है वो जो है वो बढ़ती है उससे जी। इन सब चीज़ों को मद्दर नज़र रखते हुए कि उनके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास डिवीजन कश्मीर में तकरीबन 31 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं जहाँ पर हम सीरियल सीड्स, पोटैटो सीड, वेजिटेबल सीड्स, एग्रोस्ट्रॉलॉजी के जो फार्म है वहाँ ग्रासेस के सीड, इन तमाम कमियों को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जितने भी हमारे फार्म थे आज हमने फार्म डे मनाने का प्रोग्राम बनाया और पूरी वादी कश्मीर के 5000 मुलाजम अक्रॉस द डिवीजन 31 फार्मों पर बजाते खुद काम कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का 7-टायर सिस्टम गाँव से लेकर डायरेक्ट्रेट तक है, हमने फाइनेंशियल कमिश्नर जनाब अटल डुल्लू साहब की सरबराई में ये प्रोग्राम यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया और आने वाले वक्त में हम पैडी ट्रांसप्लांटिंग डे, आयल सीड हार्वेस्टिंग डे, उसके बाद वक्त के लिहाज से जो जो आते चले और लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह सब खैरियत रखे, क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसी फेवरेबल रहें कि जब हमारी सैफरान की क्रॉप जो है वो 15 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में हो तो वो फेस्टिवल भी मनाएं जिसको हमने पिछले साल भी मनाया था। इसी प्रोग्राम को आज बढ़ाते हुए आज सुबह 8:30 बजे से तमाम कश्मीर डिवीजन के जितने भी फार्म्स हैं, चाहे वो पोटैटो के फार्म्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल सीडलिंग के फार्म्स हैं, चाहे हमारे जो दूसरे फार्म जहां पे हम पल्सिस का सीड ग्रो करते हैं और खासकर पदगामपुरा और अलोपुरा का फार्म के जहां पे भी